हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सी एस जसप्रीत आई होप दैट यू आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर टैक्स एग्जाम यस आई नो बहुत सारे बच्चे कल के पेपर के बाद बहुत दुखी हो गए हैं कि एस बी सी का पेपर डिफिकल्ट क्यों आ गया और अब टैक्स में क्या होगा सो लेट मी टेल यू कि टैक्स में क्या होगा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ विच विल डेफिनेटली मोटिवेट यू बिकॉज अब तक जैसे पेपर बहुत बढ़िया चल रहे थे जे आई जी एल वॉज ऑल्सो मैनेजेबल कंपनी लॉबी तो एस पी सी एकदम से डिफ़िकल्ट आ गया कुछ बातें हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना दैट विल रियली मोटिवेट यू एंड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर टैक्स राइट टैक्स का जो अगला पेपर है जो कल है ग्रुप वन वालों का एक ही पेपर देखो रह गया है uh, तो किस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हो या क्यू एस बी सी का पेपर कैसा था एवरी थिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो तो ध्यान से सुनना आई ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल क्योंकि आपने टैक्स की पढ़ाई पर ध्यान देना है आज के दिन राइट फर्स्ट थिंग इज एवरी एग्ज़ाम इज़ डिफ़रेंट पहली बात तो ये आप दिमाग में ले कर चला करो ये ऐसे नहीं होता कि हर एग्ज़्ज़्ज़ाम यू नो सेम आना चाहिए या सेम आता है एक ये चीज़ हमेशा याद रखो कि हर एग्ज़ाम डिफरेंट होता है दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो मैंने शायद एक कोट भी डाला था कि हर एक जो पेपर होता है वो एक डिफरेंट पर्स्पेक्टिव आपने लेके जाना है ठीक है जे आई जी एल का पेपर जैसे एक, एक बार डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में डिफ़िकल्ट आया था ट्वेंटी थ्री में अच्छा थोड़ा इजी आ गया तो कंपनी लॉ का डिफिकल्ट हो गया तो इस तरीके से हर पेपर डिफरेंट होता है राइट हम ये नहीं कह सकते ये कोई एक पैटर्न चल रहा है कि एक पेपर अगर ऐसा आएगा तो अगला पेपर भी वैसा ही आएगा आई बिलीव यू नो दिस राइट हर एग्ज़ाम डिफरेंट होता है तो उसी परस्पेक्टिव के साथ एग्जाम हॉल में जाया करो डोंट थिंक कि अगर दो पेपर अच्छे आए तीसरा भी वैसा ही आएगा या ईजी आएगा या मैनेजेबल आएगा दैट इज़ नॉट दे राइट तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक पीस विद राइट Second thing is, don't carry any expectations along to the tax exam. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इतना तो बच्चे एस बुरा करके एस बी ई सी डिफ़िकल्ट होकर फेल नहीं होंगे जितना इसलिए बिकॉज टुडे दे विल नॉट प्रिपेयर फॉर टैक्स एग्जाम कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक पर्सपेक्टिव आ गया एक एक्सपेक्टेशन आ गई है कि एस का ऐसा आया था टैक्स का भी ऐसा ही आएगा एंड ऑल दोज थिंग्स डोंट डू ऑल दोज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन हर एग्ज़ाम डिफरेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डोंट कैरी एनी एक्सपेक्टेशन टू द नेक्स्ट एग्जाम अगर एक डिफ़िकल्ट हो सकता है कि टैक्स का एग्जाम और भी ज़्यादा ईजी हो एंड हो सकता है कि और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो राइट सो डोंट कैरी दोज एक्सपेक्टेशन अलॉन्ग के एस बी सी का ऐसा आया है तो टैक्स का भी ऐसा आएगा बिकॉज शायद वही एक्सपेक्टेशन अब जे आई जी एल एंड कंपनी लॉ से लेके आ रहे थे टू एस बी सी दैट इज़ अ थिंग दैट यू यू नो यू शुडेंट डू बट बच्चे करते हैं सो नाउ आई एम सेंग दिस डोंट कैरी इट अलॉन्ग के एस बी सी का ऐसा आया था तो टैक्स का भी ऐसा ही आएगा ये डिस्कशन में पढ़ जाओ इंस्टीट्यूट ये कर रहा है वो हो रहा है leave all those things just focus on your exam again uh, I don't know I should say it or not lekin ek gut feeling थी कि शायद JIIL and company law बच्चे बोल रहे थे manageable है तो अगर SBC नहीं होता ना तो touch difficult होता तो कोई ना कोई एक ये भी एक चीज़ होती है एक एग्जाम तो देखो डिफिकल्ट आता ही है राइट देर आर वेरी लीस्ट केसेस के सारे ही एक तरीके के आ जाए या सारे ही एक जैसे आ जाए वरना एक आधा एग्जाम तो डिफिकल्ट आता ही है राइट right? तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए थी बड़ा इन हो कि एक बार जब पेपर अच्छे 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 शुरू हो जाते हैं तो फिर हम वही चीज़ को साथ में रखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था वैसा क्यों नहीं हुआ राइट right? तो एक पेपर डिफिकल्ट था बाकी आ, कौन से पोर्शन का किस तरफ आ गया उस बात की डिस्कशन करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है ट्वेंटी फेबर तक यही काम करना है अब दो ढाई महीने मतलब बहुत खुला टाइम है इस चीज के लिए बट फॉर नाउ यू डोंट हैव दिस टाइम एक दिन में सिर्फ एग्जाम को प्रिपेयर करो सिर्फ टैक्स के ऊपर फोकस करो अब उसको भूल जाओ एस को डिफिकल्ट था जो भी था लीव इट राइट एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूं लाइक वी से कि एक्सपेक्ट मत करो लेकिन मोस्टली क्या होता है अगर आपके बाकी एग्जाम्स बढ़िया गए हैं राइट right? गुड आपने परफॉर्मेंस दी है और एस में एवरेज क्योंकि ना कई बार मैं आपको बताती हूँ इतना बुरा नहीं होता पेपर लेकिन आसपास वालों का रिएक्शन देख के हम भी उतना ही डर जाते हैं कि अच्छा वो भी कह रहा है बुरा वो भी कह रहा है तो हमारा भी बुरा ही हुआ होगा डोंट डू दीज थिंग्स राइट तो अब पास होने के चांसेस होते हैं अगर आपके बाकी एग्जाम बढ़िया गए हैं अब आपने टैक्स को भी इस गुड कैटेगरी में लेके आना है राइट दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने टैक्स को एवरेज कैटेगरी में नहीं लेके जाना हमने टैक्स को गुड की कैटेगरी में लेके आना है उसके ऊपर फोकस करो एस अगर आप एवरेज अच्छा करके आए हो राइट यू विल स्कोर मार्क्स एंड देयर आर चांसेज ऑफ गेटिंग पास राइट तो इस चीज़ को अभी आपने क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि एस तो हो गया जो होना था लेकिन टैक्स में हमने अच्छे से परफॉर्म करना है दिस इज़ वॉट यू नीड टू फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड लास्ट एडवाइस सजेशन एंड एवरी थिंग प्लीज़ फोकस ओनली ऑन योर टैक्स टैक्स एग्जाम भूल जाओ एस बी एस सी में क्या हुआ डोंट इंडालजेंट एनी डिस्कशन अगर कोई बता रहा है आपको आके कि ये तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया वहाँ से आ गया ये बातें करने के लिए लाइकवाइज़ आई टोल्यू ट्वेंटी फिफ्थ फेबरी तक यही डिस्कशन चलनी है पेपर कैसे हुए कैसे नहीं हुए बहुत टाइम है लेकिन अभी मत डिस्कस करूँ ये एक दिन नहीं है अदरवाइज यू विल रिग्रेट टू मॉरो बात पक्की है अगर आज आपने उस चीज़ की डिस्कशन की ना एस की एस ऐसा हुआ वैसा हुआ तो कल आप पक्का रिग्रेट करोगे कि मैंने पढ़ क्यों नहीं लिया सो so, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे फोकस करो यू हैव टू एक्सेल इन टैक्स एग्जाम टू क्लियर दिस अटेम्प्ट राइट आई होप यू यू आर फीलिंग लाइक एनकरेज एंड मोटिवेटेड एंड दैट्स द ओनली यू नो मोटिव ऑफ दिस वीडियो सो बस अपने टैक्स के पेपर पे फोकस करो ये कोई टाइम नहीं है डिस्कस करने का कैसा हुआ कैसा नहीं हो गया उसको छोड़ दो कल का पेपर अच्छा करना है बस उसकी तैयारी करो अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर करो एंड माई बेस्ट विशेज एंड आर ऑलवेज विद यू सुपर सोन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड कीप यज ऑन ऑल द बेस्ट बाय बाय